Everyone, welcome back to the new video, and welcome back to Huge Misha Hall. जो मैं दो महीने के बाद कर रही हूँ आपके साथ शेयर यस yes, लास्ट जो वीडियो मैंने शेयर की थी वो विंटर वेयर पे थी और वो मैंने शेयर की थी नवंबर में डिसम्बर मिस हो गया बट आगे मैंने आप लोगों के लिए मीशो की काफ़ी सारी वीडियोस प्लान करके रखी हैं सो स्टे टून ऑन दिस चैनल एंड यस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि जैसे ही झट से मैं आपके साथ शेयर करूँ अगर आपको कोई चीज़ पसंद आती है तो आप बाय कर ले क्योंकि आपको पता है मीशो पे चीज़ें ऐसे, ऐसे ऐसे निकल जाती हैं सो यस गाइज आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी टेन कुर्ता सेट्स इसके अंदर कुर्ता सेट्स तो मैं बोल रही हूँ काफ़ी सारी चीज़ें लाइक शरारा सेट भी हैं स्पेशल ओकेज़न यानी कि वेडिंग सीजन आने वाला है तो उसके लिए भी मैंने कुछ चीज़ें इसके अंदर इंक्लूड किया है एंड जिनकी सबसे ज़्यादा रिक्वेस्ट आती है मुझे एवरी वेयर के लिए कुर्ता सेट वो भी मैंने इंक्लूड किए हैं सो so, 11 पीसेस मैंने ऑर्डर किए थे एक अभी आना बचा था बट उससे वेट नहीं हो रहा था और मैंने जो चीज़ें मुझे रिसीव हो गई हैं उन्हीं के बेसिस पे वीडियो मैं बना रही हूँ और आपके साथ शेयर कर रही हूँ इनमें से कोई भी चीज़ आपको अच्छी लगती है ऑब्वियसली मैं रिव्यू शेयर करूँगी उसके बाद आप डिसाइड कर लेना और आपको अच्छी लगे तो आप उन्हें बाय कर सकते हैं उनके परचेसिंग लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी आप बिना देरी के हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल नाउ लेट्स गेट स्टार्टेड चलिए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट कुर्ता सेट से सो so, यहाँ पर फर्स्ट जो कुर्ते सेट है वो रेन फैब्रिक में है टू पीस में है इसमें कुर्ती है एंड बॉटम है कुर्ती इसके अंदर फ्लेयर में आती है और बॉटम इसमें स्ट्रेट पैंट्स हैं डिस्प्ले पिक में ना ही बहुत सुंदर लग रहा था और साथ में इसका प्राइस भी बहुत ही सही था और रेटिंग भी काफ़ी अच्छी मिली थी इसका प्राइस मैंने पे किया है फोर हंड्रेड एंड इसको रेटिंग भी बहुत अच्छी मिली हुई है फोर रेटिंग्स हैं इनके अंदर साइज़ ऑप्शन भी काफ़ी अच्छे थे जहाँ तक मैंने देखे थे सो आई एम श्योर आपको अपने साइज में मिल जाएगा इसके अंदर मैंने मीडियम साइज लिया है और मेरा साइज़ है 38 सो थर्टी एट पर मीडियम मुझे काफ़ी सही आ रहा है बट जब आप रेओन लेते हो तो मेक श्योर sure कि आप ना एक साइज बड़ा ले लो क्योंकि वो श्रिंक करता ही है सो so धोने के बाद वो छोटा नहीं पड़ेगा आपको यहाँ पर ये फ्लेयर में है बहुत ही सुंदर इसका लुक आ रहा है और फिटिंग भी काफ़ी अच्छी आ रही है नेक पे इस तरह से ये वर्क दिया हुआ है इसमें गोटा लगाया हुआ है वुडन बटन्स हैं एंड ऑल ओवर जो प्रिंट है ना वो बहुत ही सुंदर लग रहा है नेक पे जो पैच किया हुआ है ना सेम इसी पैचवर्क uh, का आपको बॉटम मिल जाएगा जो मैं आपको बाद में दिखाऊंगी सो यू कैन सी फ्लेयर बहुत ही बढ़िया है प्लीट्स देके यहाँ पर फ्लेयर क्रिएट किया हुआ है एम्पायर लाइन पे सो so, इस तरह की ये कुर्ती हो गई सी थ्रू गाइस ये फुल्ली इलास्टिकेटेड है काफ़ी लूज एंड कम्फर्टेबल है बिल्कुल वो नैरो वाली नहीं है इस बॉटम का भी लुक काफ़ी अच्छा आ रहा था सो ओवरऑल कुर्ता सेट काफ़ी स्मार्ट लग रहा है एवरीडे में पहनने के लिए कॉलेज ऑफिस एंड इवन घर पे भी बहुत ही बढ़िया पीस और प्राइस भी आप देख सकते हैं अंडर फाइव आपको स्टिस्ट फ्लेयर कुर्ता सेट मिल रहा है सो so, ये वाला पीस मैं आपको सजेस्ट करूँगी अगर आपको अच्छा लग रहा है तो आप अपने लिए बाय कर सकते हैं जिस प्राइस में ये मिल रहा है उसमें इसकी क्वालिटी परफेक्ट है एंड स्टिचिंग स्टाइल भी अच्छी है और राइट right, अब नेक्स्ट पीस पे आ जाते हैं नेक्स्ट पीस भी बहुत सुंदर है ऑफिस के लिए तो बहुत ही बढ़िया पीस है लाइक like ऑफिस में या फिर अगर आप ऑफिस नहीं जाते एवरी डे में कुर्ता सेट पहनते हैं तो आप इसे कंसीडर कर सकते हैं एंड ये कॉटन फैब्रिक के अंदर है बहुत ही अच्छा प्रिंट और बहुत ही अच्छा कलर है स्ट्रेट फिट में टू पीस कुर्ता सेट है Now, इसका प्राइस भी फोर हंड्रेड है एंड इसको भी 3.8 रेटिंग्स मिली हुई हैं एंड इसका ब्रांड है गोश्रे की ये ब्रांड आपको हर जगह पे मिल जाएगा हर शॉपिंग प्लेटफॉर्म पे अवेलेबल है बट जो बेस्ट प्राइस आपको इस ब्रांड की मिलेगी वो आपको मीशो पे मिलेगी इसका कलर स्पेशली मुझे बहुत अच्छा लगा और फिटिंग भी काफी अच्छी आ रही है वी नेक दिया हुआ है यहाँ पे गोटे की डिटेलिंग की हुई है स्लीव्स जो है इसकी एल्बो तक है सो काफी अच्छा स्मार्ट लुक आ रहा है यहाँ पर भी हल्का सा गोटा दिया हुआ है ये गोटा स्किन को बिल्कुल भी इरिटेट नहीं करता लंबाई काफी अच्छी है कुर्ते की बिल्कुल भी छोटा नहीं है तो आप देख सकते हैं 5.4 फीट हाइट पे परफेक्ट लेंथ आ रही है इसकी एंड इसके नीचे मैंने कोई स्पैगेटी भी कैरी नहीं की ऐसा ज़रूरत नहीं हुई और इसका बॉटम भी आपको वाइड लेग कंफर्टेबल मिलता है फुल्ली इलास्टिकेटेड है और एक पॉकेट भी दी हुई है इसके ऊपर जो भी प्रिंट किया हुआ है वो बहुत ही प्यारा है दोनों का सेम फैब्रिक है टॉप एंड बॉटम का स्पेशली इसका फैब्रिक भी मुझे अच्छा लगा क्योंकि ये कॉटन फैब्रिक में है और दूसरा है कि इसकी जो स्टिचिंग है ना वो काफ़ी ज़्यादा नीट है बिल्कुल भी धागे आपको इधर से इधर नहीं मिलेंगे सो इस हिसाब से ये पीस मुझे बहुत पसंद आया और प्राइस रेंज भी बहुत अच्छी है तो आपको हाइली रिकमेंड करूंगी डेफिनेटली आप इसे कंसीडर कर सकते हैं नाउ नेक्स्ट जो कुर्ते सेट है वो भी सेम ब्रांड का ही मैंने लिया है गोश्री की का और ये ना मुझे कलर बहुत ज्यादा पसंद आ गया था सो so मैंने इसे पिक कर लिया पर्पल शेड के अंदर है ये भी टू पीस में कुर्ता सेट है एंड इसका फैब्रिक है कॉटन ब्लैंड काफी सॉफ्ट है ये फैब्रिक पहनने में ब्रीदेबल है सो so, इसका मैं प्राइस आपको बताती हूँ जल्दी से देख के इसका प्राइस है फाइव जीरो सिक्स रुपीज लाइक फाइव हंड्रेड के आसपास ही आपको मिल रहा है और इसकी रेटिंग भी बहुत ही अच्छी है मीशो पे फोर पॉइंट टू रेटिंग है और फाइव थाउजेंड प्लस लोगों ने इसे रेट किया शॉप तो सोच सकते हैं आप कितने लोगों ने किया होगा इसके अंदर साइज रेंज भी बहुत अच्छी अवेलेबल है मैंने देखा था आई थिंक फोर एक्सल तक साइज़ आपको मिल जाएगा मैंने तो सभी पीसेज के अंदर मीडियम साइज लिया और मीडियम साइज में मुझे परफेक्ट फिट मिल रहा है सो यस डिस्प्ले पिक में भी बहुत सुंदर लग रहा है और जैसा उसके अंदर दिख रहा है एग्जैक्टली exactly वैसा ही मिला है कुछ मीशो पे ऐसे पीसेज मिलते हैं जो रेप्लिका होते हैं और कुछ ऐसे होते हैं जो एग्जैक्ट होते हैं सो so, ये वो पीस है जो एग्जैक्ट जैसा दिख रहा है वैसा का वैसा मुझे मिला है सो so, यहाँ पर हम पहले देखते हैं कुर्ती सो so, कुर्ती स्ट्रेट फिट में है फैब्रिक मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ काफ़ी ज़्यादा सॉफ्ट ब्रीदेबल एंड सी थ्रू बिल्कुल भी नहीं है इसकी लेंथ भी काफ़ी अच्छी है और लूज़ फ़िट के अंदर बहुत ही अच्छा लग रहा है मुझे पहनने में काफ़ी कंफर्टेबल लग रहा था एंड इसके साथ ये फुल्ली इलास्टिकेटेड बॉटम है एंड यू कैन सी लेंथ वगैरह परफेक्ट है बहुत ज़्यादा वाइड भी नहीं है तो बहुत ज़्यादा नैरो भी नहीं है फैब्रिक का कलर इसके अंदर सॉलिड हो जाता है बट एग्जैक्टली सेम फैब्रिक की क्वालिटी है टेक्स्चर बिल्कुल सेम ही है यहां पे एक चीज मैं आपको जरूर बताऊंगी इसमें एक पॉकेट दी हुई है पॉकेट का जो कलर है ना वो आपकी कुर्ती जैसा है बॉटम जैसा नहीं है सो आई डोंट नो लॉजिक है मे बी कपड़ा कम पड़ गया हो बट ये पॉकेट वैसे भी दिखने नहीं वाली सो so यस yes, ये टू पीस कुर्ता मुझे अच्छा अच्छा so मीशो like पर so सकते हैं नाउ नेक्स्ट जो कुर्ता सेट है ये स्पेशल ओकेजन अप्रोप्रिएट है सिल्की टच के अंदर है और ये कुर्ता सेट भी ना मुझे बहुत अच्छा लगा पहले मैं आपको हाईली रिकमेंड करूंगी क्योंकि मैं ट्राई ऑन ऑलरेडी कर चुकी हूं और ये पहनने के बाद एक तो सुंदर बहुत लग रहा था, comfortable था, बिल्कुल भी इची नहीं है और वही वाला जो लॉजिक मैं बताऊंगी इसके अंदर भी कि काफी सारे जो अफोर्डेबल रेंज के सेट होते हैं ना मीशो में जिसमें लंबाई में कमी कर दी जाती है यानी कि कुर्ते की लेंथ कम होती है बॉटम से कड़ा हो जाता है यहां पर ये चीज आपको देखने को नहीं मिलेगी फुल लेंथ में आपको कुर्ता मिल रहा है एंड फुल लेंथ में आपको बॉटम मिल रहा है लूज फिट में एंड बहुत ही बढ़िया स्टिचिंग क्वालिटी है बिल्कुल भी लूज थ्रेड आपको देखने को नहीं मिलेंगे फैब्रिक भी बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट है और काफ़ी अच्छी शाइन है इसके अंदर इसमें आपको चार या पांच कलर मिल जाएंगे और सारे ही कलर बहुत सुंदर हैं सो डेफिनेटली आप इन कुर्ता सेट्स को चेकआउट कर सकते हैं काफ़ी अच्छा फॉर्मल ओकेज़न पर भी आप इन्हें स्टाइल कर सकते हैं क्योंकि, क्योंकि कॉलर स्टाइल में हल्का सा से सेल्फ के अंदर जरी वर्क भी मिलता है जो बिल्कुल भी इरीटेटिंग नहीं है नाउ इसका प्राइस भी बहुत अच्छा है कंसीडरिंग इसकी क्वालिटी फैब्रिक की क्वालिटी एंड स्टिचिंग क्वालिटी ये डील बहुत ही सही रहेगी ये आपको मिल जाएगा फोर हंड्रेड में एंड इसको भी फोर प्लस रेटिंग मिली हुई है और 2500 के आसपास लोगों ने इसे रेट किया है इसमें फाइव कलर्स हैं एंड सारे के सारे कलर्स बहुत ही ज़्यादा सुंदर हैं सो so डेफिनेटली आप इस कुर्ता सेट को ग्रैप कर सकते हैं कुर्ता आप क्लोजली देख सकते हैं काफ़ी अच्छा ज़री वर्क है इसमें वर्टिकल पैटर्न के अंदर है आपको इसके नीचे बिल्कुल भी लेयरिंग करने की ज़रूरत नहीं है और डायरेक्टली स्किन पर टच होके ये बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट है सूदिंग है बिल्कुल भी इरीटेट नहीं करेगा एंड इसके साथ जो बॉटम आती है वो भी सॉलिड कलर में तो आप देख सकते हैं कितनी ज़्यादा यूजफुल है ये कितनी अदर चीज़ों के साथ प्यार हो जाएगी फुली इलास्टिकेटेड है ऊपर से काफ़ी लूज है एंड नीचे जाके थोड़ी नैरो हो जाती है परफेक्ट स्टिचिंग है परफेक्ट लेंथ है सो यस डेफिनेटली आप इसे कंसीडर कर सकते हैं नाउ नेक्स्ट हम जल्दी जल्दी करते हैं ओके okay. नेक्स्ट जो मैं आपको दिखाऊंगी ये भी अगेन स्पेशल ओकेजन अप्रोप्रिएट है ये ब्लैक कलर का शरारा सेट है थ्री पीस के अंदर आता है ये सबसे पहले तो मैं आपको इसका प्राइस बताती हूँ क्योंकि बहुत ही सही डील में मुझे मिला है और लुक तो इसका काफ़ी अच्छा आ रहा है अगर आपके घर में किसी की भी वेडिंग है या फिर दिवाली जैसे त्यौहार होते, होते, होते हैं ना जिसमें आपको काफ़ी अच्छे कपड़े पहनने होते हैं ब्लिंगी पहनने होते हैं सो उस तरह के ओकेज़न के लिए भी परफेक्ट है इसको फोर प्लस रेटिंग मिली हुई है साथ में थर्टीन हंड्रेड सेवन लोगों ने इसे रेट किया है और इसका प्राइस है सिक्स हंड्रेड सिक्सटी नाइन रुपीज़ ओनली मतलब उस हिसाब से बहुत अच्छा है एक तो ये जॉर्ज फैब्रिक में है ऑल ओवर एंड साथ में शरारा सेट है सो so एक्चुअली इतने में तो आपको शरारा सिलवाने लगोगे ना चाहे कितना भी बेसिक कपड़ा ले लो ना तो भी आपकी स्टिचिंग में ही इतने पैसे लग जाएंगे इससे ज़्यादा लग जाएंगे इनफैक्ट सो चलिए मैं दिखाती हूँ ये आपको शॉर्ट कुर्ती के साथ मिलता है वैसे तो ये स्लीवलेस है बट इसके अंदर आई थिंक स्लीव अटैच हैं तो आप सिलवा सकते हो मैंने देखी थी यस यहाँ पर ये फैब्रिक लगाया हुआ है मेगा स्लीव इसके अंदर बन जाएंगी दोनों स्लीव आपको अंदर की तरफ अटैच मिल जाएंगी आप वो लगवा सकते हो इसके अंदर ऑल ओवर लाइनिंग भी दी हुई है सो so, सही लग रहा है ब्रीदेबल है कंफर्टेबल है स्किन को इरिटेट नहीं करता और यहाँ पर नेक पे आप देख सकते हैं इसके अंदर ये मोती वगैरह का, का काम किया हुआ है एंड मिनिमल सीक्वेंस एंड थ्रेड वर्क किया हुआ है और नीचे पैनल पे ये वर्क हैवी हो जाता है और बहुत ही सुंदर सा है काफ़ी अच्छी फिनिशिंग है इसके अंदर रेशम के धागे से ये ग्रीन कलर से बुनाई की हुई है और साथ में सीक्वन लगाया हुआ है नीचे फ्रिंजेस भी है एंड इसकी लेंथ आप देख सकते हैं आई थिंक मेरे नीस you know, तक आ रही है सो so इसी लेंथ के शरारा मुझे परफेक्ट लगते हैं नीचे आपको ये ब्लैक कलर का शरारा मिल जाएगा टू टीयर्स में है काफ़ी अच्छा फ्लेयर है इसके अंदर एंड ये भी जॉर्ज फैब्रिक में इसलिए लाइनिंग दी हुई है मीडियम साइज में फिट भी काफ़ी सही आ रहा है एंड बेस्ट चीज़ है कि मतलब स्लीव्स का प्रोविजन है आप अटैच करवा सकते हैं इसके साथ ये स्टॉल टाइप दुपट्टा आ रहा है जॉर्ज फैब्रिक में और यहाँ पर ये फ्रिंचिज एंड लेस लगाई हुई है सो so, जो भी गर्ल्स इस रेंज के अंदर यू you नो know, वेडिंग्स में पहनने के लिए कोई ऑप्शन ढूंढ रहे हैं तो डेफिनेटली आप इसे कंसीडर कर सकते हैं क्योंकि रात के टाइम पे जब आप इसे पहनेंगे ना एक तो ब्लैक कलर वैसे ही अच्छा लगता है एंड साथ में जो कुर्ती पे सीक्वेंट काम किया हुआ है ना वो बहुत ही सुंदर लगेगा इसके साथ आपको ज्यादा हैवी ज्वेलरी डालने की भी जरूरत नहीं है आप स्टेटमेंट डाल लो या फिर मांगटी का वगैरह डालना है तो आप डाल सकते हैं बहुत ही सुंदर लगेगा एक शरारा सेट है एक और मैंने ऑर्डर किया है वो भी बहुत ही प्यारा आया है और इसी प्राइस रेंज में वो भी मैं आपके साथ शेयर करूंगी यस नेक्स्ट वही है और इसका कलर बहुत सुंदर है ये फ्यूशिया पिंक कलर में है इवन ये मुझे ब्लैक वाले से भी ज़्यादा अच्छा लगा और इसका प्राइस भी बहुत ही सही है ब्लैक वाले से आई थिंक बीस तीस रुपये कम ही है यस yes, आप देख सकते हैं कितना सुंदर इसके ऊपर काम किया हुआ है पूरा फ्रंट पैनल पे सेम तरह का काम है ऑल ओवर बिल्कुल भी चीप क्वालिटी की जो मोटी मोटी सीक्वेन होती है ना वो इसके अंदर नहीं है बहुत ही फाइन सा सीक्वेंस है जॉर्जर जो, जो फैब्रिक है ना वो भी अच्छा है बिल्कुल ऐसे टाइट वाला नहीं है सॉफ्ट एंड ब्रीदेबल वाला है इसके अंदर आपको लाइनिंग भी मिल जाएगी एंड इसके अंदर भी स्लीव होनी चाहिए लेट मी चेक सो so, इसके अंदर स्लीव्स नहीं दी हुई है सो so वो जो बीस तीस रुपए कम किए थे ना वो इसी के अंदर ही एडजस्ट कर लिए गए हैं सो so, वैसे एग्जैक्ट क्वालिटी आपको सेम मिलेगी ब्लैक की और इस फ्यूचर पिंक की बट इसके अंदर आपको अटैच स्लीव्स नहीं मिलती हैं अच्छा कलर ऑप्शंस आपको दोनों ही टाइप के अंदर तीन चार मिल जाएंगे सो so, अगर आपको डिफरेंट कलर चाहिए तो वो भी आप चेकआउट कर सकते हैं इसके साथ शरारा पैंट्स भी बिल्कुल सेम है जो मैंने पहले वाली दिखाई थी वो ब्लैक कलर की है एंड ये फ्यूशर कलर की है बहुत ही कंफर्टेबल है शरारा सेट्स के साथ मैंने देखा है जो अफोर्डेबल रेंज में आते हैं ना मीशो में उनकी लंबाई कम होती है बट मेरी हाइट फाइव फीट है मैंने इनके नीचे कुछ में जुती पहनी है कुछ में हील डाली है सो लेंथ इनकी परफेक्ट लगी मेरे हाइट पर बिल्कुल भी क्रॉप नहीं है बिल्कुल भी छोटी नहीं है मुझे जो शरारा होते हैं ना वो बिल्कुल भी क्रॉप अच्छे नहीं लगते एंड येस परफेक्ट लेंथ है इनकी सो डेफिनेटली आप इसे कंसिडर कर सकते हैं अगर आपकी हाइट मेरे जितनी है तो ये आप पे बिल्कुल भी छोटे नहीं पड़ेंगे नाउ जो नेक्स्ट कुर्ता सेट है इससे मेरी एक्सपेक्टेशन काफ़ी ज़्यादा थी बट ये मेरी एक्सपेक्टेशंस पे बिल्कुल भी खरा नहीं उतरा मतलब बहुत अच्छा लग रहा था ये डिस्प्ले पिक में एंड एक्चुअली मुझे पता था कि ये ओरिजिनल नहीं आने वाला है जो डिस्प्ले पिक में है ना वो इंस्टाग्राम से उठाई हुई कोई पिक्चर है और ये उसका रेप्लिका है एंड ये आप देख सकते हैं नेक पे जो ये पैचवर्क दिया हुआ है ये सीधा नहीं है ये टेढ़ा है और जहां पर कोई भी मतलब टेढ़ा मेढ़ा सिलाई हो या फिर मतलब सिलाई में ही गड़बड़ हो ना तो वो तो बिल्कुल भी नहीं अच्छा लगता सो ये कुर्ता सेट मैं आपको दिखा देती हूँ बट मैं ये आपको रिकमेंड नहीं करूंगी आप इसे स्किप कर सकते हैं अब ये मैं नहीं कह सकती कि ये जो मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट है मेरे पीस में ही है या सभी पीसेज में होगा बट इस तरह से टेढ़ा मेढ़ा गला तो बिल्कुल भी नहीं अच्छा लग रहा इसे भी मैंने मीडिया साइज में लिए ये रयॉन फैब्रिक में है यहां पे इसके अंदर जरी जरीवोक मिल जाता है थ्री फोर स्लीव्स हैं फैब्रिक सॉफ्ट है ब्रीदेबल है एंड रेॉन है, है जैसा रेयन के कुर्ते सेट आपको मिलते हैं ना मीशो पे बिल्कुल वैसा का वैसा ही है सो यस सी थ्रू नहीं है आपको इसके नीचे लेयरिंग नहीं करनी पड़ेगी और लंबाई भी सही है इसकी लंबा है ये छोटा नहीं है इसकी बॉटम की लंबाई भी काफ़ी अच्छी है बट येस गाइज जो स्टिचिंग क्वालिटी है वो मैं पहले बता चुकी हैं मुझे बहुत ज़्यादा इंप्रेसिव नहीं लगी धागे बहुत इधर उधर निकले हुए हैं लूज थ्रेड आपको इसके अंदर भर भर के मिल जाएंगे कुर्तीज में भी कुर्ती में भी और बॉटम के अंदर भी एंड इसकी जो फिटिंग है ना वो भी आप देख सकते हैं कितनी नैरो है ये सो so, बहुत ज़्यादा टाइट है मीडियम साइज में मुझे पता है जैसे ही मैं इसे वॉश करूँगी ना ये मुझे बहुत ज़्यादा फिट हो जाएगी तो मैं पहन भी नहीं पाऊंगी सो so, येस yes, एक और इसका फीडबैक है स्टिचिंग क्वालिटी तो अच्छी है ही नहीं साथ में इसका जो बॉटम है ना वो बहुत ज़्यादा टाइट है सो so, अगर आप थिक थाई गर्ल हैं तो डेफिनेटली आप इसे स्किप कर देना नाउ इसका जो दुपट्टा है ना वो तीनों पीसेस में सबसे सही मुझे यही लगा बट ये बिल्कुल भी दुपट्टे वाला फैब्रिक नहीं है फैब्रिक वो है जो कुर्ते का होता है सो so, काफ़ी मोटा फैब्रिक है और बहुत ही हैवी सा दुपट्टा बन जाएगा ये वैसे तो ये प्लेन ही है बट लंबाई चौड़ाई आपको फुल मिल जाएगी इवन चौड़ाई तो जितनी होती है उससे ज़्यादा ही है मुझे लग रहा है थान का कपड़ा है और वहाँ से इसका ये दुपट्टा बना दिया है एंड इसके चारों तरफ ये लेस भी मिल जाती है सो ये है मेरा रिव्यू डेफिनेटली आप इसे स्किप कर सकते हैं इसका प्राइस भी मैं आपको बता देती हूँ जो मैंने मिस कर दिया ये सिक्स हंड्रेड का है इसको स्टार्स भी बहुत अच्छे नहीं मिले थ्री मिले हैं इसके बाद आई थिंक सेवन्थ कुर्ता सेट मैं आपको दिखाने वाली हूँ ये कुर्ता सेट मुझे स्पेशली बहुत प्यारा लगा बहुत ही क्यूट एंड प्रिटी लुक इसके अंदर आ रहा है जिस तरह से डिस्प्ले पिक में था ना बहुत हद तक ये वैसा ही है एंड इसका फैब्रिक एंड स्पेशली इसका दुपट्टा मुझे बहुत अच्छा लगा एंड कलर तो आप देख ही सकते हैं पिंक कलर किसको पसंद नहीं होगा सो so, चलिए मैं दिखाती हूँ आपको इसके अंदर कुर्ती स्ट्रेट फिट में कुर्ती है प्लेन बेसिक बहुत ही सुंदर लग रही है फिटिंग काफ़ी अच्छी है लूज फिट के अंदर इसके अंदर भी रयॉन फैब्रिक यूज़ किया हुआ है जो काफ़ी ज़्यादा सॉफ्ट एंड ब्रीदेबल है सी थ्रू नहीं है आपको इसके नीचे लेयरिंग करने की जरूरत नहीं पड़ेगी बस न्यूड इनरवेयर कैरी कर लेना एंड इसकी जो ये स्लीव्स है, हैं पफी स्लीव है शॉर्ट स्लीव है बहुत ही लग रही है ये एंड कुर्ते की लंबाई बहुत अच्छी है, ऐसा नहीं है कि छोटा हो कुछ हैं जो आगे मैं आपको दिखाऊंगी उनकी लेंथ मुझे नीज के आसपास आ रही है, बट इसकी लेंथ काफी अच्छी है नी एंड काफ के बीच में मुझे आ रही है सो परफेक्ट लेंथ है इसी लेंथ के मैं कुर्ता सेट्स पहनना पसंद करती हूँ नाओ बॉटम भी बहुत ही बढ़िया है लूज फिट के अंदर है फुली इलास्टिकेटेड है एंड ये ऑल ओवर जिकजेक्ट पैटर्न है अगर आप रेगुलरली ऑफिस में विदाउट दुपट्टा पहनते हैं कॉलेज में विदाउट दुपट्टा पहनते हैं तो एस एच बी से कैरी करके जा सकते हैं और कभी कभी आपको थोड़ा सा स्पेशल लुक देना है तो इस दुपट्टे के साथ कैरी कर सकते हैं एंड इस दुपट्टे के साथ पहनते ही ये बहुत ही स्पेशल बन जाता है बहुत ही प्यारा लुक इसके अंदर आता है ऑल ओवर इसके अंदर काफ़ी सुंदर सा प्रिंट किया हुआ है फ्लावर्स वगैरह बने हुए हैं एंड लाइट बेस है पिंक कलर का ही और उसके ऊपर ये डार्क पिंक कलर के ग्रीन कलर्स के फ्लावर्स दिए हुए हैं लंबाई चौड़ाई फुल है कोई ऐसा नहीं है कि इसके अंदर फैब्रिक को बचाया गया है टेस्ल्स वगैरह दिए हुए हैं और जो फैब्रिक है ना वो आप देखेंगे थोड़ा शेयर है कोटेड हो और जो फैब्रिक होता है ना उस तरह का है ये सो so, ये वाला कुर्ता सेट तो डेफिनेटली मैं आपको हाईली रिकमेंड करने वाली हूँ एंड आई एम श्योर ये बहुत जल्दी आउट ऑफ स्टॉक हो जाएगा क्योंकि मुझे तो ये बहुत ही प्यारा लगा इसका प्राइस भी हम देख लेते हैं ये आपको मात्र छः सौ नौ रुपये में मिलेगा गाइस सिक्स हंड्रेड नाइन रुपीज़ में बहुत ही सही पीस है इसको रेटिंग भी फोर प्लस मिली हुई है एंड ट्वेंटी सिक्स हंड्रेड लोगों ने इसे रेट किया है सो यस हाईली रिकमेंड करूँगी अगर अच्छा लग रहा है तो आप इसे ग्रैप कर सकते हैं आई होप आपको अपना साइज इसके अंदर मिल जाए चलिए अब लास्ट दो कुर्ता सेट बचे हुए हैं नाउ ये दोनों कुर्ता सेट मैं उन लोगों के लिए रिकमेंड करूंगी जो मुझे बहुत रिक्वेस्ट करते हैं कि शॉर्ट हाइटेड गर्ल्स के लिए भी आप कुर्ता सेट दिखाइए सो so, जिनकी भी हाइट 5.2 से नीचे है ना चाहे वो कितनी भी कम हो आप इन्हें डेफिनेटली कंसीडर कर सकते हैं इसके अंदर जो पहला है ये थोड़ा सा ओकेजन वेयर वाला है यहाँ पर ये बांधनी के अंदर टू पीस कुर्ता सेट है मल्टी कलर में है एंड रेऑन फैब्रिक में है मीडियम साइज के अंदर फिट भी मुझे परफेक्ट आ रहा है जहां पर भी मैंने रेयन आपको बोला है ना तो प्लीज आप एक साइज अप कर लेना ताकि वॉश करने के बाद भी वो आपको आ जाए क्योंकि ये श्रिंक होने की टेंडेंसी रखता ही है नेक पे आपको ये सिल्वर कलर का गोटा मिल जाएगा बिल्कुल भी लूज थ्रेड नहीं मिलेंगे काफ़ी अच्छी फिनिशिंग है और बिल्कुल भी स्किन को इरिटेट नहीं करता सॉफ्ट है ये हंड्रेड कॉटन लिखा हुआ है बट ये कॉटन नहीं है ये मेरे ख्याल से हंड्रेड परसेंट रेन ही है सो so, यस yes, लंबाई आप देख सकते हैं मुझे नीज के आसपास आ रही है और इसके साथ जो बॉटम आती है वो भी सेम कलर के अंदर ही है फुली इलास्टिकेटेड है फिटिंग वगैरह सही है जो शॉर्ट हाइटेड गर्ल्स हैं उन पे ये परफेक्ट आएगी सो so, बॉटम वैसे मुझे ज़्यादा छोटी नहीं लगी मेरी हाइट पे आप देख सकते हैं परफेक्ट है ये ऑल ओवर सेम पैटर्न है इसके अंदर तो काफी प्यारा लग रहा है बट अगर आप चाहें तो अलग तरीके से भी आप इसे स्टाइल कर सकते हैं लाइक like, एक ये जो कुर्ती है ये पहन लो और इसके नीचे आप वाइट बॉटम पहन लो सो so, थोड़ा सा अगर आपको टोन डाउन करना है तो आप इजीली से कर सकते हैं नाव जो नेक्स्ट है ये ब्लैक कलर में है ये भी रॉन फैब्रिक में है एंड ये भी जिनकी हाइट फाइव फीट से कम है उन बहुत सही लगने वाला है नेक पे इसमें का काम किया हुआ है स्लीव्स पे इस तरह से ये थोड़ी लेस वर्क की हुई है नीचे भी आपको लेस मिल जाएगी अभी मैं प्राइस ना उसकी बताऊंगी बांधने की मैंने मिस कर दी है दोनों के साथ ही बता दूंगी इसका बॉटम बहुत सही है ये वाइट कलर में है रेयन फैब्रिक में है एंड बिल्कुल स्टेपल काइंड kind ऑफ of जो आपका बॉटम होता है ना वो है हर चीज़ के साथ ईजिली पेयर हो जाएगा लाइक जो बांधनी वाली मैंने कुर्ती दिखाई थी उसके साथ आप इस बॉटम को पेयर कर सकते हैं ये जो बॉटम है ये मेरी हाइट के ऊपर भी सही आ रहा है बहुत ज़्यादा क्रॉप नहीं है नीचे इसके अंदर भी आपको ये लेस वर्क मिल जाती है ये कॉटन का धागे से बनाई हुई लेस है सो इस तरह से ये Uh, दोनों चीज़ें हो गई इसके साथ आता है ये स्टॉल टाइप दोपट्टा जिसकी लंबाई चौड़ाई पूरी नहीं है स्टॉल जितनी ही है डबल शेड में है एंड ये शिफॉन फैब्रिक में है सो so, लास्ट वाले दो पीसेस ऐसे हैं जो आपकी यू you नो know, जिनकी हाइट कम है उनके लिए परफेक्ट रहने वाले हैं प्राइस मैं आपको बता देती हूँ इनका ब्लैक वाला कुर्ता सेट जो थ्री पीस में उसका है उसका प्राइस है फोर हंड्रेड एंड इसको फोर रेटिंग मिली हुई है यानी कि फोर स्टार्स मिले हुए और कितने लोगों ने रेट किया 906 लोगों ने नाउ जो बांधनी वाला है वो तो चीपेस्ट हो गया इस हॉल के अंदर क्योंकि उसका प्राइस है 400 से भी कम 349 हंड्रेड एंड इसको 4.1 रेटिंग मिली हुई है और ओ माय गॉड कितने लोगों ने 14,000 लोगों ने इसे रेट किया हुआ है अब आप सोच सकते हैं खरीदा तो कितने ही लोगों ने होगा सो so गाइज ये था आज का मेरा मीशो हॉल बताइएगा आपको कैसा लगा आई होप आपके लिए रिव्यू हेल्पफुल रहा हो अगर आपको इनमें से कोई भी चीज़ पसंद आती है आपको बाय करनी है तो इन सब के परचेजिंग लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिए हैं आप चेकआउट कर लेना और आगे मीशो हॉल में आप क्या देखना चाहते हैं वो डेफिनेटली मुझे आप मैंशन कर देना कमेंट्स में उनके अकॉर्डिंग ही मैं आपके लिए अपकमिंग मीशो हॉल लेके आऊँगी सो so यस yes, चलिए इसी के साथ वीडियो एंड करती हूँ और आपसे बहुत जल्दी मिलती हूँ इन द नेक्स्ट वन टिल देन टेक केयर बाय बाय